नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। ये तस्वीर देखिए और समझिए भारत में किस कदर नफरत फैलते हुए दिखाई दे रही। इससे पहले आपने ऐसी कई तस्वीर दोस्तों देखी होगी, लेकिन आज जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ इसमें मासूम शामिल है। जो मार रहे हैं वो भी मासूम है, और जो मार खा रहा है वो भी मासूम है। और क्या दिक्कत है इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल एक बच्चे के कपड़े उतार दिए गए और उससे कहा गया कि जय श्री राम बोलो, और लगातार वो बच्चा उसको जब मारा जा रहा है तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बच्चे को मारा जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी से। अब आप समझिएगा कितनी ज्यादा नफरत फैल रही है देश में, कि बड़े तो बड़े बच्चे भी इस हिंसा में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे। क्या ये सही है? क्या देश में नफरत नहीं फैल रही? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? जहां पर एक बच्चे को जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, क्या इसका मतलब भी उन लोगों को पता है जो बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं? एक बच्चे के पूरी तरीके से कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे लगातार मारा जाता है क्योंकि वो जय श्री राम बोल दे, और जो लोग कर रहे हैं वो खुद मासूम है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खबर एमपी से सामने आ रही है। एमपी के इंदौर में ऐसा होता हुआ दिखाई दिया, और साथ ही साथ जो बच्चे मार रहे हैं आप समझिएगा कि वो वीडियो भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो खुद अपने हाथों से वीडियो बना रहे हैं। आखिरकार ऐसा उनके मन में आया कैसे, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दिन भर गोदी मीडिया के द्वारा हिंदू मुसलमान की खबरें चलाई जाती हैं। दिन भर अगर देखा जाए लगातार गोदी मीडिया पत्रकार किस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट करते हैं, और साथ ही साथ देश में जो हिंसा फैलती है वो सोशल मीडिया पे दिखाई देती है फैलते हुए। शायद ये सारी खबरें देखने के बाद, और शायद सोशल मीडिया पे जो वीडियोज आती हैं उसको देखने के बाद, इन बच्चों ने भी सोचा कि कुछ आज ऐसा ही करके देखते हैं। शायद उसी का असर इनके मन में भी देखने को मिल रहा है। जहां पर एक मुस्लिम बच्चे को लगातार मारा जा रहा है, उससे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए जा रहे हैं। क्या इन बच्चों की ये उम्र है जो इस तरीके की भावनाएं रख सके अपने मन में? क्या ऐसे बच्चे एक क्लास में अलग रिलीजन के बच्चों के साथ पढ़ पाएंगे? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है जहां पर निर्मला सीतारमण से कई बातें पूछी गई विदेश की धरती पर पीआईआई की मीटिंग के दौरान, जहां पर निर्मला सीतारमण से ये पूछा गया। सबसे अहम बात मैं बताना चाहूंगा, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है उससे भी आप इसे कंपैरिजन कर लीजिएगा, जहां पर निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि भारत के अंदर जो मुसलमानों की स्थिति है जो लगातार विदेश की मीडिया कवर करते हुए दिखाई दे रही, क्या वो सही है? क्या भारत के मुसलमानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बद से भी बदतर हो गई है? इस पर निर्मला सीतारमण कहते हुए दिखाई दी कि ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं विदेशी पत्रकारों के द्वारा या विदेशी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं गलत है, मैं उसका खंडन करती हूं। उन्हें खुद भारत आना चाहिए, इसका मैं न्योता देती हूं, और भारत आके देखना चाहिए मुसलमानों की स्थिति क्या है। उन्होंने कई बातें कही, कंपेयर करते हुए दिखाई दी भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से। इस बीच कई बातें कंपेयर की उन्होंने पाकिस्तान को लेकर, क्या पाकिस्तान से कंपेयर किया जाना भारत के मुसलमानों को लेकर सही है? 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज़ादी को, उसके बाद भी लगातार जब भी बात होती है इंडियन मुस्लिम की तो पाकिस्तान को बीच में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या इंडियन मुस्लिम की ये बेइज्जती नहीं है? निर्मला सीतारमण ये भी कह सकती थी कि भारत के मुसलमानों की स्थिति वैसे ही है जैसे कि बाकी रिलीजन्स की भारत के अंदर स्थिति है, हर रिलीजन एक समान है। ऐसे कई बातें निर्मला सीतारमण रख सकती थी, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान को बीच में लाकर खड़ा कर दिया और कह दिया कि पाकिस्तान की स्थिति भारत से भी ज़्यादा बदतर है, वहाँ पर मिनोरिटी को लगातार ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भारत के मुसलमानों की बात करने के बाद जब आप पाकिस्तान का नाम ले लेती हैं तो क्या वो सही है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, निर्मला सीतारमण का कहने का मतलब ये था कि भारत में जो भी खबरें दिखाई जा रही वो कहीं ना कहीं फेक है, उसे विदेश की मीडिया सही तरीके से दिखाने की कोशिश नहीं कर रही। क्या ये दावा सही है? अभी मैंने आपके सामने कुछ बच्चों की तस्वीर सामने रखी थी एमपी के इंदौर से जो सामने आई, जहां पर मासूम को मारने की कोशिश की गई, उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए गए। क्या ये बात निर्मला सीतारमण को पता नहीं जो पिछले कई सालों से देखने को मिल रही है? मैं कहां से बात शुरू करूं और कहां पे ख़त्म करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेट स्पीच जो बीजेपी के नेता खुद देते हुए नजर आए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर आप सभी को पता होगा किस तरीके से आए दिन भड़काऊ बयान देती रहती है, जिसमें से एक बयान ये भी था कि चाकू तेज करा लिया जाए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा टी राजा सिंह वो सदस्य है जिसको बीजेपी ने निकाल दिया, लेकिन अभी भी ये लगातार एक रिलीजन के खिलाफ नफरत उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमानों के
खिलाफ कई बातें कहता हुआ नजर आता है। फिर बात करूंगा मैं नुपुर शर्मा की, जहां पे आप सबको पता होगा एक नेशनल टेलीविजन पर इन्होंने एक रिलीजन के खिलाफ क्या बयान दिया था। इसके बाद अगर बात कर ली जाए अनुराग ठाकुर की, तो आप सबको पता होगा देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। इसके बाद प्रवेश वर्मा की अगर मैं बात करूं, प्रवेश वर्मा ने पूरे बाजार के अंदर एक रिलीजन के बाइकआउट की बात की थी, मुस्लिम रिलीजन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर लोगों को शपथ दिलाते हुए प्रवेश वर्मा नजर आए। ये कुछ ही नाम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये सारे नाम बीजेपी के। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अगर मॉब लिंचिंग की मैं बात करूं, तो आप सभी को पता होगा जुनैद और नासिर का केस, जहां पर इन दोनों की जली हुई लाश मिली थी इन्हीं के कार में, हरियाणा का ये केस था। इस शक में इन्हें मार दिया गया कि ये गांव मांस लेकर जा रहे थे, ये सिर्फ शक था जिसकी वजह से इन दोनों को अपनी जान खोनी पड़ी। ये भी मैं एक एग्जांपल ही आपके सामने रख रहा हूं, आपके पास शायद इससे ज्यादा एग्जांपल्स होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बाद अगर बात की जाए मस्जिद पर, आप सभी ने कई सालों से खबरें सुनी होंगी जहां पर मस्जिद के ऊपर लोग चढ़ के लगातार मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि मस्जिद भी कई बार ढकी जा चुकी है इन्हीं सारे विवादों को लेकर। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि इंडिया को लेकर जो भी खबरें फैलाई जा रही हैं, जैसा कि खबरों में बाहर की एजेंसीज लिखती हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमान जो हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, एक मिनोरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, वो सारी फेक है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा अगर बात की जाए खुले में नमाज पढ़ने की, आप सभी को गुरुग्राम का केस पता होगा। गुरुग्राम में जब खुले में नमाज पढ़ रहे थे, यानी कि पब्लिक प्लेस पे लोग नमाज पढ़ रहे थे, तब विवाद देखने को मिला, जहां पर गोदी मीडिया पत्रकार भी एक रिलीजन के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, कहते हुए नजर आए कि अगर मस्जिद है तो फिर ओपन प्लेस पे नमाज क्यों। अगर नमाज की मैं दोस्तों बात करूं तो कई विवादित बयान नेताओं के सामने आ जाएंगे और साथ ही साथ गोदी मीडिया एंकर्स के भी सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर मैं छत्तीसगढ़ की दोस्तों बात करूं, छत्तीसगढ़ में एक रिलीजन को लेकर बाइकआउट करने की बात की गई, ये रिलीजन था मुस्लिम रिलीजन, जहां पर लोग शपथ लेते हुए दिखाई दिए। लेकिन ये सारी खबर शायद निर्मला सीतारमण जी को नहीं दिखती, या फिर उन तक नहीं पहुंचती, या फिर वो देखना नहीं चाहती, या उन्हें पता नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोरोना काल में, आप सभी को याद होगा किस तरीके से एक रिलीजन को इंडिया के अंदर टारगेट किया गया, बताया गया कि उनके द्वारा कोरोना फैलाया गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर मैं बताने की कोशिश करूंगा तो शायद खबर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और शायद इसमें कई घंटे भी लग सकते हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स रखता चला जाऊंगा और बताता चला जाऊंगा किस तरीके से वारदात कई सालों से देखने को मिल रही है। मॉब लिंचिंग की अगर मैं बात करूं, नमाज पढ़ने की बात करूं, बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच की मैं बात करूं, या फिर इन बच्चों की बात करूं जो मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की। इसके बाद निर्मला सीतारमण ये कहते हुए दिखाई देती हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर है। जो भी लोग ऐसी खबर लिख रहे हैं या विदेशी पत्रकार जो भी ऐसी खबर छाप रहे हैं, उनको भारत के अंदर आना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत में मुसलमानों की स्थिति क्या है। क्या सच में दोस्तों जो विदेश के पत्रकार लिख रहे हैं वो फेक है? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से इन खबरों को देखते हैं, क्या निर्मला सीतारमण ने जो कहा वो सही कहा, और इन बच्चों के जहन में जो चल रहा है क्या वो सही चल रहा है? अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।